छत्तीसगढ़ में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी किसी आदिवासी नेता को सूबे का सीएम बनाएगी, उन अटकलों पर कल बीजेपी की ओर से विराम लगा दिया गया है। बता दें, रविवार को छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ की कमान आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सौंपी गई। पार्टी के 54 नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में विष्णुदेव साय को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित कर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव साय जशपुर जिले की कुनकुरी सीट से विधायक है। साय 1999 से लेकर 2019 तक रायगढ़ से सांसद रहे हैं और 2014 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। साय ने भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और नितिन नवीन के प्रति एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद उनका पहला काम गरीबों को 18 लाख आवास की मंजूरी देना होगा। बता दें, विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 में जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई कुनपुरी स्थित लोयाला हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के सरपंच के रूप में की थी। उन्हें स्वयं सेवक संघ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी पसंद बताया जाता है। पार्टी ने उन्हें 2006 और 2020 में दो बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। बता दें, वर्तमान में साय भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद की जल्द शपथ लेने वाले आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा और प्रधानमंत्री मोदी की विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को भी 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।